दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट में बॉल टेम्परिंग की घटना से पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ पर आईसीसी की तरफ से एक मैच का बैन लगाया गया है, वहीं उन पर 100% मैच फीस का भी जुर्माना लगा है। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को कप्तानी से भी हटा दिया है। हालांकि भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत कई क्रिकेट दिग्गजों की माने तो ये सजा काफी कम है। हरभजन ने इसको लेकर आईसीसी की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियमों को भी देख लें तो उसके मुताबिक स्टीव स्मिथ और कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट पर काफी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी खिलाड़ी खेल को उसके आदर्शों के खिलाफ खेलता हुआ पाया जाता है तो नियम 42 के मुताबिक उस पर लाइफ बैन तक लग सकता है। हालांकि इस नियम के तहत दी जाने वाली ये अधिकतम सजा है। लाइफ बैन की गई हरकत और परिस्थितियों को देखते हुए लगाया जाता है। गेंद से छेड़छाड़ का मामला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के नियमों में 2.2.8 धारा के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि अभी आईसीसी की तरफ से अभी आचार संहिता की धारा 2.2.1 के तहत स्मिथ पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा 100% मैच फीस काटी जाएगी। वहीं कैमरन वेनक्राफ्ट पर मैच फीसदी का 75% जुर्माना लगा है। दरअसल आईसीसी की ओर से जो सजा दी गई है उस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि खिलाड़ियों ने अपनी गलती को मान लिया है। मैच के बाद वेनक्राफ्ट ने गेंद के साथ छेड़खानी करने की बात को कबूला है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने भी कहा है कि यह हमारे प्लान का हिस्सा था और इसके बारे में मुझे और टीम के सीनियर खिलाड़ियों को पूरी खबर थी। इसी बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि जब गलती करने वाले खिलाड़ी अपनी बात को मान रहे हैं तो फिर उस हिसाब से सजा क्यों नहीं दी जा रही है। अब हम आपको बता दें कि अगर स्मिथ को सजा मिलती है तो फिर उनकी जिंदगी चौपट ही हो जाएगी। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।